हेलो माय फूडी फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कानपुर के नए एपिसोड में आप लोग का वेलकम है। तो आ चुके आज फिर से संजय वन। पहले हम लोग आ चुके थे विनायक्स हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट में, और हम लोगों ने इनके पहले इडली ट्राई करी हुई थी। तो लोकेशन आपको पहले वीडियो का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आई बटन में देख ली। तो चलते हैं, बात करते हैं और ट्राई करते हैं। आज इनके पास कुछ नई डिशेज आई हैं, तो देखते हैं आज क्या ट्राई करेंगे। तो चलते हैं शॉप पे, बात करते हैं, फिर ट्राई करते हैं इनकी डिशेज हम लोग। सो गाइस चलिए फाइनली आ गए शॉप पे, तो भैया से कर लेते बात। तो भैया बताइए नाम क्या वैसे? हर्षित मेहरोत्रा। क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो तो जानते हैं इन्हें ऑलरेडी, और ये जो नए लोग आएंगे उनके लिए नाम बहुत ज़रूरी है। और शॉप को कितने दिन हो गए फिलहाल? अब पहले तो बहुत कम हुए थे, अब कितना हो गया? डेढ़ मंथ हो चुका है। डेढ़ महीने हो गए। क्या क्या खिला रहे हैं, कुछ क्या क्या नया ऐड किया है? इडली सांभर, फ्राई इडली, ग्रेवी इडली, ग्रेवी कॉर्न इडली, इडली की चार वेराइटी हैं। ढोकला, ढोकला भी खिला दे रहे हैं सुबह सुबह। जी सुबह सुबह। और क्या क्या है? मैगी है, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, पानी। जी टाइमिंग क्या है? टाइमिंग सुबह 6 बजे से 2 बजे तक, लेकिन 2 बजे से 4-2 बजे जाता है घर जाते। मतलब 3 बजे तक भी कोई आएगा तो मिल जाएगा खाने के लिए। तो कस्टमर आज की भीड़ रहती है, इस वजह से 4 बज जाते हैं। तो जैसे कि 4 इडली की वैरायटी है आपके पास, पहले हम लोग आपकी इडली और सांभर ट्राई कर चुके थे, आज क्या ट्राई करवाएंगे? ग्रेवी इडली ट्राई कराएंगे आपको। ग्रेवी इडली, प्राइस क्या है? 20 रुपीज़। आप कोई भी लीजिए, सिर्फ 20 रुपये में। जी सुबह ये पेट भर के खाइए 20 रुपये में। सिर्फ कॉर्न वाली जो इडली है हमारे पास वो 25 की है, बाकी 25. सब 20 रुपीज़। तो 4 तरह की इडली हैं, आज हम इनकी ग्रेवी वाली इडली ट्राई करने वाले हैं, और इनके पास कॉर्न वाली इडली भी, अगर कॉर्न लेवर हैं तो आप इडली ट्राई कर सकते हैं कॉर्न वाली भी। तो चलो भाई, सब कुछ 20 रुपये मिल रहा है, कॉर्न वाली इडली आपको 25 रुपये मिलेगी। जी तो चलो ट्राई करते हैं, मेकिंग करवाते हैं अपने ग्रेवी इडली की, ट्राई करते हैं फिर आपके साथ टेस्ट शेयर करते हैं। और आप सुबह आइए और टहलिए, इसके बाद पेट भर के घर जाइए। सो गाइस चलिए अपनी ग्रेवी वाली जो इडली रेडी होने जा रही है, तो एक रिफाइंड, तो भाई रिफाइंड डाल दिया गया है। राई, प्याज, गाजर, पत्ता गोभी, पानी, सब आ गया। तो भाई किचन में खड़े होने के बाद मज़े कुछ और तक। तो भाई कैप्सिकम, और ये आ रहे हैं मसाले, सीक्रेट वाले मसाले तो नहीं है ये? सीक्रेट वाले मसाले, सीक्रेट वाले हैं। तो भाई सीक्रेट वाले मसाले हर किसी को होते हैं, बताता नहीं कोई भाई, सबके साथ हम छूट भी करते रहते हैं, कोई बताता नहीं कि भाई कौन कौन से मसाले यूज़ कर रहे हैं लोग। मेयोनीज है, टमाटो सॉस, चिल्ली आने वाली, चिल्लाएगी देखना अभी, चिली सॉस आ गई, और ये थोड़ा सा आ रहा है मिल्क, मिल्क भी ऐड हो गया है। तगड़ी ग्रेवी बनने वाली है आज। ये क्या है? ये अपनी सॉस है। जी अपनी सॉस है भाई, ये अपनी भी वाली सॉस होती है। ये कौन सी सॉस है? ये भी अपनी बनाई, ये भी अपनी है, सब कुछ इनकी अपनी है। ये क्या है? मसाला है खड़ा। तो ये खड़े मसाले आ गए भाई, बहुत कुछ पड़ रहा है अपनी ग्रेवी वाली इडली में, और प्राइस भी रिजनेबल है भाई, 20 रुपये में पेट भर के खाइए आप सुबह सुबह। वाह, आप ग्रेवी दिख रही है बिल्कुल ड्राई ड्राई। बटर, मक्खन खिलाया जा रहा सुबह सुबह। ग्रेवी है जो काफ़ी ड्राई करी जा रही है, देख रहे हैं पकाई जा रही है, आधी ग्रेवी उड़ जाएगी, आधी ग्रेवी बचेगी इस पर। तो भाई चलिए इडली निकलवाते हैं, अपनी बारी आ रही है। जी आ गई अपनी इडली। और इनके पास सुबह सुबह आपको ढोकला भी खाने के लिए मिलेगा, रखा हुआ है। तो सुबह सुबह अगर ढोकला कहीं दौड़ते हो आप, ना मिल रहा हो तो ट्राई कर सकते हैं। और अपनी इडली की हजामत हो रही है बहुत अच्छे से।
फाइनली ग्रेवी अपनी काफ़ी ड्राई हो चुकी है और अब इडली के पीस आ रहे हैं। तो गाइस फाइनली रेडी अपनी हो रही है, थोड़ी बहुत बची हुई है अपनी ग्रेवी इडली देखिए, और ग्रेवी बिल्कुल टाइट है, ज़्यादा नहीं है। तो भाई रेडी हो चुकी है अपनी ग्रेवी वाली इडली, तो चलिए प्लेटिंग होने जा रही है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही, काफ़ी ज़्यादा मसाले और सॉस ऐड कर दिए। तो भाई ये खड़े मसाले जो इन्होंने पहले ऐड किए थे, मतलब थोड़े थोड़े पीसे हैं, थोड़े थोड़े खड़े हैं, हाफ हैं, तो वो ऊपर से ऐड कर दिए गए। और यार स्पून, तो फाइनली प्लेट अपनी कंप्लीट, चलिए ट्राई करते हैं कि आपके साथ टेस्ट शेयर करते हैं। सो भाई चलिए आ चुकी अपनी ग्रेवी इडली रेडी होकर के, ट्राई करते हैं भी आपके साथ टेस्ट शेयर करते हैं। काफ़ी ज़्यादा गज़ब की दिख रही है और मसाले वगैरह भी काफ़ी ऐड करे गए हैं और वेजिटेबल्स भी ऐड करी गई हैं, और हेल्दी तो होती है इडली एक तरह से, मॉर्निंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, इवनिंग में हर जगह मिलती है, मॉर्निंग में कहीं मिलती नहीं है। और ये सूजी की बनाई हुई है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो चलो स्पून में लिए बहुत देर से खड़े हैं, ट्राई कर लेते हैं। इडली सांभर से ज़्यादा खाने में मज़ा आ रही है रियली। मसाले बिल्कुल बैलेंस हैं और जो इन्होंने सॉसेस ऐड करी हैं और जितनी भी इनकी होममेड चटनी थी ऐड करके जो फ्लेवर दिया है बहुत यूनिक लग रहा है। आप भी आइए सुबह सुबह, ट्राई करिए आकर के। जैसे कि इडली तो इवनिंग में बहुत जगह मिल रही है, आपको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ये है कि इडली सांभर से ज़्यादा बेस्ट लग रही है मुझे ये। पहले हमने इनकी इडली सांभर ट्राई करी थी, उससे बहुत ज़्यादा बेस्ट लगी, मतलब तो कुछ टेस्ट है जो हटके मिल रहा है और वेजिटेबल्स के साथ मिल रहा है। तो आप भी आइए ट्राई करिए और ट्राई करने के बाद मेरे साथ टेस्ट जरूर शेयर करिएगा। सो गाइस वाकई मज़ा आ गई इडली खाकर। फाइनली इससे पहले तो अभी तक हम लोगों ने इतनी जगह डोसे और इडली सांभर मिल रहा है, ग्रेवी कहीं भी नहीं मिल रही। तो आप भी आइए और मज़ा लीजिए आकर के ग्रेवी वाली इडली का। फिर शायद कानपुर में कहीं मिलती हो या ना मिलती हो, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि जहाँ जहाँ मैंने ट्राई करी है वहाँ तो नहीं मिल रही है, सिर्फ इडली सांभर ही मिल रहा है। लेकिन जो ग्रेवी बनाई है इन्होंने वो बहुत ही तगड़ी थी, मसालों के साथ और जो सॉसेस और वेजिटेबल्स के साथ ऐड करके जो बनाई है, खाने में मज़ा आ गया। आप भी आइए ट्राई करिए, ठीक है। अपना वीडियो यही जान करते हैं, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए आते तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लिया तो नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे फिर कहीं नेक्स्ट व्लॉग में। एक बार ग्रेवी इडली जरूर ट्राई करिएगा।